हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का, जो आपका सेट का अभी एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की को लेके। वन बाय वन बेटा हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताएंगे। फर्स्ट सम देखिए बेटा, इफ दो डिटर्मिनेंट्स हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैट्रिसेस होती तो हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते, बट डिटर्मिनेंट के केस में हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करें, एक्स स्क्वेयर माइनस में 36, एक्स स्क्वेयर माइनस में 36 इक्वल टू 36 माइनस में 36 जीरो। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गया बेटा 36, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा प्लस माइनस में 6। ऑप्शन डी आपका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट थ्री। कोट इनवर्स रूट थ्री की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसे किसके इक्वल मान लेते हैं बेटा थीटा के। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है रूट थ्री, और रूट थ्री कोट पे कितने डिग्री पे होती है बेटा 30 डिग्री पे होती है, मतलब कोट पाई बाय 6। कोट से कोट कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है पाई बाय 6, और ये क्या हो गई है प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इज। ये फंक्शन है और ये पाई बाय 2 पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है। जब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है तो गिवन पॉइंट पे फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, और एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू हो, तीनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, फंक्शन हम ये लेंगे पाई बाय 2 से कुछ कम हो रहा है, मतलब पाई बाय 2 के तो बराबर नहीं है, के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस में 2x। पुट करें, x को क्या पुट करना है पाई बाय 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी हम घटा देते हैं। जब जब x पाई बाय 2 को टेंड करेगा, h कहाँ टेंड करेगा बेटा, 0 को टेंड करेगा। अब सारे x वाले फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, h में कन्वर्ट कर देंगे। k cos x की जगह क्या लिखें, पाई बाय 2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस में 2, x की जगह क्या लिखें पाई बाय 2 माइनस h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा के बराबर होता है, पाई माइनस में पाई प्लस में 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट, k बाय 2 को लिमिट से हम बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा ये साइन h है, साइन h बाय h। इस सारे की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है इस सारे की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा k बाय 2 आ गई। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी आपके पास क्या आएगी, k बाय 2 ही वैल्यू आएगी। और गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, ये बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि फंक्शन हमें क्या दे रखा था, कंटिन्यूअस दे रखा था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे, सिंपली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और उसको गिवन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू था उसके बराबर रख दिया। आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसे भी पाई बाय 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है 3 उसके बराबर रखेंगे, तो के की वैल्यू क्या आनी है बेटा 6 ही आनी है। डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, चेक द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज। और रिलेशन में कैसे एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, और जब बी कैसे आ रहा है, फर्स्ट वाले में 1 जोड़ रहे हैं तब भी आ रहा है। तो पहले हम रिलेशन के एलिमेंट ही देख लें क्या क्या आएगा, 1 2 आएंगे, फिर 2 है तो 3 आएगा, 3 4 वाला पेयर आएगा, 4 5 वाला पेयर आएगा, 5 6 वाला पेयर आएगा, 6 7 वाला नहीं आएगा क्योंकि 7 हमारा यहाँ से नहीं है, और ए और बी हमने दोनों यहीं से उठाए हैं। ये है हमारे पास आर। क्या हर एक एलिमेंट उसी के साथ रिलेशन में है, क्या 1 1 2 2 3 3 है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ बेटा। सिमेट्रिक की बात करें, 1 2 एलिमेंट रिलेशन में है, क्या 2 1 है,
नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ है। ट्रांजिटिव की बात करें, 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है रिलेशन में? नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या बच गया बेटा हमारे पास? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सूटेबल ऑर्डर्स वी हैव, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, या फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनकी प्रोडक्ट होता है। तो इन चारों में से बेटा ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करके उनका ट्रांसपोज लेना है तो पहले बाद वाले का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के ये बराबर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी का क्या मतलब है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कि आपने ए और बी का एलसीएम लेना है। तो 5 7 का क्या मतलब हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 7, 5 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 35 आएगा। अब डिस्कस करते हैं 7th सम को। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 x² का रूट -1/x, इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। अब बेटा यहाँ पे अगर हम साइन पुट करते हैं तो 1 sin² कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेम कोस। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? टेंजेंट पुट करेंगे। हमने एक्स की जगह क्या पुट किया बेटा? टेंजेंट थीटा पुट किया। तो क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स 1 tan²θ, वो था हमारे पास बेटा sec²θ के बराबर, और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? sec θ -1/ tan θ। अब यहाँ पे हम अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कि ये टेंजेंट के कुछ फॉर्म में बन जाए और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, तभी तो हमारी को सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? सिकेंट की जगह लिख रहे हैं 1/cos और टेंजेंट की जगह लिख रहे हैं sin/cos। सॉल्व करें, 1 - cos θ, बटे में बटे टर्म है पलट जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? sin θ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - cos²θ होता है बेटा 2 sin²θ, तो यहाँ पे थीटा है तो क्या बनेगा ये? θ/2। sin²θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, यहाँ पे sin θ है तो 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक बार का कट गया, sin/cos क्या बन गया बेटा? बन गया ना ये टेंजेंट θ/2। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट और सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? θ/2 आ गया। बट इस थीटा को एक्स की फॉर्म में लाना ना भूलो, यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये क्या बनेगा? 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन फॉर्म की, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, कोई भी डेरिवेटिव नहीं किया है या फिर कुछ और चीज नहीं लगाया है, सिर्फ हमने एक्स की वैल्यू को कुछ पुट किया और इसको सिंप्लीफाई करते 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 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए, ठीक है बेटा। डिस्कस करते हैं अब 8th सम को। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिस एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं। जब हम दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ लें आपस में, फिर हम राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ना है, डायरेक्ट मैं जोड़ देती हूँ। 10 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा। यहाँ पे y से y कैंसिल आउट, किसकी वैल्यू आई है बेटा? 2x की वैल्यू आई है। हमें तो x की चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या जाएगा? 1/2। अब ये होगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब हर एक एलिमेंट की हम 1/2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू।
अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। दोनों ही इक्वेशंस को हम घटा रहे हैं, x माइनस में y माइनस में x माइनस में y। 3003 माइनस में 7025। x x कैंसिल आउट, माइनस का 2y इक्वल टू 3 माइनस में 7, माइनस का 4, 0, माइनस का 2 और माइनस का 2। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। माइनस 1 बाय 2 से इसकी होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या है बेटा आंसर 2011। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बेटा ये, x माइनस वाई और x प्लस वाई को ऐड किया तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और हमने इनको घटाया तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मैट्रिसेस के केस में जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ए स्क्वेयर माइनस में 4a प्लस में i, जहां पे i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। तो पहले तो हमें ए स्क्वेयर चाहिए, हम ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब a मैट्रिक्स की और a मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा बेटा, 2 2 4 और 3 7, 2 3 6 और 6 12, 2 2 यहाँ पे बनेगा 4, 3 और 4 ये बनेगा 7। अब वैल्यू रखें जरा, ये रख दी हमने ए स्क्वेयर की वैल्यू, माइनस में 4 ये रख दी हमने ए की वैल्यू, प्लस में आई ये रख दी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। सॉल्व करें जरा इसको, प्लस माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 8, माइनस का 12, माइनस का 4 और माइनस का 8, 1001। अब हमें पता है मैट्रिक्स एडिशन में हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, 7 में से 8 गए माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है तो 0 आ गया, 12 में से 12 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 8 गए माइनस का 1 और यहाँ पे बेटा 1 था प्लस का 1, ये भी क्या बन गया 0। तो आंसर हमारे पास क्या आई है, 0 मैट्रिक्स आई है। ठीक है बेटा, सिंपल सा आसान सा ही क्वेश्चन था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, ए मैट्रिसेस को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई किया, फिर सारों की हमने वैल्यू रख दी है और जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10, डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का dy बाय dx, साइन का डेरिवेटिव cos और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब डिस्कस करते हैं बेटा 11th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/17, इसको किसके बराबर हमने प्रूव करना है, कॉस इनवर्स 84/85। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख के घबरा गए थे, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर कहेंगे ये तो आसान सा क्वेश्चन था हमने ट्राई नहीं किया। देखिए इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इसको हम क्या मान ले, एक बार एक्स के इक्वल मान ले, और साइन इनवर्स 8/17 इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। मतलब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। अब यहां से बेटा साइन एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 3/5 और यहां से साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी, 8/17। जरा हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लें, अंडर द रूट 1 माइनस में 9/25 यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25 और उसका स्क्वायर रूट 4/5। कॉस वाई की वैल्यू निकाल लें, अंडर द रूट 1 माइनस में 64/289 यहां से 289 में से 64 को घटाएंगे तो 225 और 225 का स्क्वायर रूट 15 और इसका स्क्वायर रूट 17। अब हमारे पास बेटा साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई सबकी वैल्यू है, हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स माइनस वाई का। अब इसका ही क्यों लगाएंगे बेटा, हमें वैल्यू तो एक्स माइनस वाई की निकालनी थी,
हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ताकि cos दूसरी साइड जाके क्या हो जाए, cos इनवर्स हो जाए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos x cos y प्लस sin x sin y। वैल्यू रिप्लेस करें सबकी, 4/5 15/17, 3/5 8/17, 15 × 4 = 60 और ये बनेगा 24। दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना बन रहा है, 84/85। ये किसकी वैल्यू आई है, cos x माइनस वाई की। बट हमें किसकी निकालनी थी वैल्यू, x माइनस वाई की। cos की साइड चेंज होते ही ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसको x माना, इसको y माना, यहाँ से sin x sin y की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला हमें पता है cos x और cos y की निकाल ली। फिर हमने फॉर्मूला लगाया cos x माइनस वाई का, हमें सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए थी, cos को दूसरी साइड लेके गई, cos इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है, आपके पास sin x cos x sin y cos y की वैल्यू आ गई, आप यहाँ से tangent x tangent y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिर आप अगर चाहो तो tangent x माइनस y का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई अपॉन में वन प्लस में टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, बट वो आंसर आपका टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में आएगा, फिर आपको दोबारा उसको कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान मेथड पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, इफ ए इक्वल टू मैट्रिसेस दे रखी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है, ए और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या आएगी, आई आएगी, और जहां आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। मतलब हम ए और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 1 0 0 1। तो पहले हम ले लें जरा ए मैट्रिसेस, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसकी प्रोडक्ट किससे करनी है, इसके ट्रांसपोज से, रो को क्या बना दिया हमने, कॉलम बना दिया, और जो सेकंड रो है उसको क्या बना दिया, सेकंड कॉलम बना दिया। करें जरा इनकी प्रोडक्ट, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, नेक्स्ट प्रोडक्ट माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा। अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ये दोनों सेम सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। यहाँ पे भी प्लस और माइनस की सेम टर्म है, कैंसिल आउट होगी, अगेन ये आइडेंटिटी, और ये आगे हमारे पास आई, जहाँ पे आई क्या है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बेटा। अब डिस्कस करते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड के, हमें इस के की वैल्यू निकालनी है, और क्या दे रखा है कि ए का स्क्वायर 5a प्लस के आई के बराबर है। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, ए स्क्वायर, मतलब ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है, तो ए मैट्रिक्स की ए से ही प्रोडक्ट करनी है, कर देते हैं जरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 9 माइनस में 1 ये बनेगा 8, 3 प्लस में 2 ये आएगा 5, माइनस का 3 माइनस का 2 ये माइनस का 5 बनेगा, माइनस का 1 और प्लस का 4 ये बनेगा 3। ये आइए बेटा यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें जरा, ए स्क्वायर की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वल टू 5a, ए मैट्रिसेस की 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5a आ जाएगा, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है,
हर एक एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। करें जरा 15, 5, माइनस 5 और 10 प्लस में के आई, मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमें के से मल्टीप्लाई करनी है। अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या आएगा बेटा, के 0 0 के। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड में एडिशन है मैट्रिसेस का, और दो मैट्रिसेस को हमें जोड़ना आता है, हम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अब देखिए जरा, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों इक्वल हैं, मतलब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर है। A11 के बराबर है, 8 किसके इक्वल है, 15 प्लस K के, 15 की साइड चेंज हो जाएगी, K की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -7 आ जाएगी, और हमें K की वैल्यू ही निकालनी है। आप चाहो तो बाकी एलिमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, 5 तो 5 के इक्वल है ही, -5 भी -5 के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल और करके देख लो, 3 इक्वल टू 10 प्लस के, और यहाँ पे भी के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -7 आएगी, और हमें के की वैल्यू ही निकालनी थी। अब डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट। देखिए बेटा क्या गिवन है इसमें, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, बी भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें वेरीफाई करना है क्या कि ए बी की प्रोडक्ट करें उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू वाला भी बन रहा है, एमसीक्यू में था एक क्वेश्चन, बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उसका हिंट आपको यहाँ से मिल रहा था। चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखे, ए और बी की प्रोडक्ट करनी है, ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया 5 है बेटा ये, और बी मैट्रिक्स हमने लिख लिया, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं जरा रो की कॉलम के साथ, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 और -30। ये आई हमारे पास ए बी की प्रोडक्ट, बट हमें क्या चाहिए था इसका ट्रांसपोज, मतलब रो को किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, कॉलम में। फर्स्ट रो को बना दिया है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया है सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना दिया है थर्ड कॉलम, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज, रो को बना दीजिए कॉलम 1 3 -6, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इनकी प्रोडक्ट करें जरा रो की कॉलम के साथ, रो की कॉलम के साथ, रो की कॉलम के साथ, नेक्स्ट रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ, -6 ये 12 ये 15 ये 12 माइनस का 24 और ये आया बेटा -30। यहाँ पे देखो माइनस का था, ठीक है, वेरीफाई करना होता है ना, यानी कि दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, बस आपको ये शो करके दिखाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को, क्वेश्चन नंबर 14, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको ये शो करना है। यहाँ पे आप सीधा डिटर्मिनेंट मत निकाल देना बेटा, डिटर्मिनेंट्स की हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, आर वन को चेंज करेंगे आर वन माइनस आर टू, और आर टू को चेंज करेंगे आर टू माइनस में आर थ्री, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस में वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, वाई जेड माइनस में जेड एक्स, आर टू को भी चेंज कर दें, वाई माइनस में जेड, वाई स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर, जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ठीक है, यहाँ पे माइनस जेड कॉमन ले लिए बेटा, क्या बनेगा, एक्स माइनस में वाई अंदर बनेगा, वाई माइनस में जेड, वाई स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे हम अगर माइनस एक्स कॉमन ले तो अंदर क्या बनेगा, वाई माइनस जेड, जेड
जेड स्क्वायर एक्स वाई। फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, सेकंड रो से y माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, अंदर देखिए क्या बन रहा है। वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी ले लिया तो a प्लस बी तो बचेगा ही, माइनस में जेड। वन वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब और थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक को जीरो बन जाएगा, ये वन में से वन घटा देते हैं, आर वन में से आर टू गए तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो साथ ही रहेंगे, वन में से वन गया जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई से वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, और ये भी क्या बनेगा बेटा, एक्स माइनस जेड बनेगा। वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बेटा। अब ऊपर वाली रो में से हम जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो मिल गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, जीरो बचेगा, माइनस वन माइनस वन, वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बचा है। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आना चाहिए, कर देते हैं सॉल्व। वन एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस में वन, जेड स्क्वायर माइनस में वाई जेड माइनस में जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा बेटा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये बचा और यही हमें चाहिए था। ठीक है बच्चे, दोबारा से देख लीजिए, हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी थी तो हमने रो ऑपरेशन यूज किए और सिंप्लीफाई किया, फिर हमें जो टर्म कॉमन मिल रही थी डिटर्मिनेंट से वो हमने रो से बाहर निकाल ली, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना था, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, एक बार फिर ऑपरेशन लगाया, फिर क्या कर दिया, जो कॉमन आ रहा था उसे कॉमन ले लिया डिटर्मिनेंट से बाहर और रिमेनिंग को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। और अब डिस्कस करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के ही और वाले पार्ट को। लास्ट पार्ट देखिए बेटा, इफ ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है और हमें क्या वेरीफाई करना है, ए और बी की प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स निकालें तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स की प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं हम, बी इनवर्स निकाल लेते हैं हम, और दोनों की प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला बटे वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस का आठ और माइनस का है तीन, ये माइनस का ग्यारह है, एडजॉइंट और निकाल लें। ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ दें, माइनस का फोर, ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ दें वन, बट साइन चेंज होगा यहाँ पे, ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ दें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ दें, इसका हमने क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया माइनस में वन बाय इलेवन, माइनस फोर माइनस वन माइनस थ्री और टू। ऐसे ही बी इनवर्स निकाल लेते हैं, वन अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, तो पहले बी का डिटर्मिनेंट देख लें बेटा, थ्री माइनस का टू वन आ रहा है, बी वन वन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ा तीन, यहां वाले के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ा माइनस वन, बट साइन चेंज होगा, टू वन ये टू आएगा, टू टू ये वन आएगा, इसका ट्रांसपोज, तो बी इनवर्स हमारे पास बनेगा वन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वन ही है, थ्री वन टू और वन। अब हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है बी इनवर्स की और ए इनवर्स की, तो माइनस में वन बाय इलेवन तो साथ ही रहेगा, बी इनवर्स ले लिया पहले और फिर ले लिया हमने ए इनवर्स।
करें जरा प्रोडक्ट, माइनस का 12 और माइनस के 2, माइनस के 14, माइनस का 9, प्लस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1। चाहे तो यहां से माइनस 1 सारे में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1/11, 14, 5, 5 और 1। ये आई है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, ए बी की प्रोडक्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, दोनों की प्रोडक्ट करें जरा। 2 माइनस का 3 है तो माइनस का 1 बना, माइनस का 4 और प्लस का 9, ये तो 5 बन गया है। 1 प्लस में 4, ये 5 बन गया है, और माइनस का 2 और माइनस का 12, ये तो माइनस का 14 बन गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 14 माइनस में 25, ये तो माइनस का 11 बना है। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया माइनस 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया बट साइन चेंज होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन चेंज होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बनेगा इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए बी का इनवर्स क्या आया बेटा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी है और ये हमने का साथ में ट्रांसपोज ले लिया है। अब सारे में से हम माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, 1/11, 14, 5, 5 और 1, ये आएगी बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और यही क्या थी राइट हैंड साइड थी, और ये हमारा क्या हो गया अब वेरीफाई हो गया। बेटा लंबा जरूर है क्वेश्चन बट आसान है, ठीक है, आपको तरीका पता होना चाहिए। हमने क्या चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स आ गया है। फिर हमें बी इनवर्स चाहिए है, ए बी की प्रोडक्ट भी करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आए फिर उसका इनवर्स भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल शो हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, पेपर आसानी था, इस पेपर को हम मुश्किल नहीं कह सकते, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से ज्यादा था। कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में से तो बेटा जहां तक मुझे ध्यान में सिर्फ 2 नंबर का ही आया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जैसा भी पेपर हो गया, आपने इस बार जो गलतियां की हैं वो आप नेक्स्ट एग्जाम में नहीं दोहराएंगे और आगे से अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको जहां जहां आपकी कमी लगती है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बेटा उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और बच्चों कमेंट सेक्शन में जितने भी मार्क्स हैं ईमानदारी से अपने मार्क्स बताइए कि इतने आए हैं, कोई बात नहीं, और ज्यादा नेक्स्ट टाइम हम मेहनत करेंगे तो और ज्यादा हमारे नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।